इस इंस्ट्रूमेंट को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये है दुनिया का मोस्ट डेंजरस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और जब से इसका आविष्कार हुआ है तब से इसकी वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं। ये इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक है कि कई शहरों यहाँ तक कई देशों में इसे बैन कर दिया गया था। इस इंस्ट्रूमेंट को ग्लास अर्मोनिका कहा जाता है, जिसे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1761 में इन्वेंट किया था, जिसे वाइन के ग्लास पर उंगलियां फेरने से साउंड क्रिएट होता है। इसी से इंस्पायर होकर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे बनाया था। उस समय पर यह इंस्ट्रूमेंट इतना पॉपुलर हो चुका था कि पूरे यूरोप के लगभग सभी देशों में इसका यूज किया जाने लगा था। लेकिन शुरुआत के कुछ साल बीतने के बाद लोगों की कंप्लेंट्स आने लगी कि इस इंस्ट्रूमेंट के म्यूजिक को सुनते सुनते कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है। लोग हाइपनोटाइज हो रहे थे और कुछ लोग तो लिटरली पागल हो जाते थे। यहाँ तक जर्मनी के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान इस इंस्ट्रूमेंट को सुनते सुनते एक बच्चे की डेथ भी हो गई। और इस इंसिडेंट के बाद से इसे बहुत से शहरों में बैन कर दिया गया। फिलहाल अगर आप इस म्यूजिक को सुनना चाहते हो तो मेरे इंस्टा की इस हाईलाइट को जरूर चेक करना।